एसएसपी साहब पहुंच गए हैं। आज की प्रेस ब्रीफिंग में मैं बार डडियाल प्रेस क्लब डडियाल मीरपुर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदगान और मुजरीन इलाका को शॉर्ट नोटिस पर तशरीफ लाने पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज की प्रेस ब्रीफिंग गुज़श्ता दिनों एक अंदोनाक वाक़या रूनुमा होने और उस वाक़या में मुलव्वस मुल्ज़िमान को ट्रेस करके गिरफ्तार करने के सिलसिला में मुनक़द की गई है। मौरखा 10 सितंबर 2022 की सुबह तकरीबन 11:15 बजे वक़ार अल्ताफ एडवोकेट जो डिडियाल में बन सही के मुकाम पर रहाइश पजीर हैं उन्हें 2 मुसल्ला मोटरसाइकिल सवार जो पुलिस की यूनिफॉर्म में आए और घर के अंदर घुसकर फायरिंग करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया। ये केस एक ब्लाइंड केस था और पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। अल्लाह की मदद, सीनियर्स की रहनुमाई और हमारी पुलिस की दिन रात कोशिश के बायस हमने इस ब्लाइंड मर्डर को 3 दिन में ट्रेस किया और 6 दिन के अंदर हमने इसमें मुलव्वस सरगुना समेत 3 हुजरती कातिल गिरफ्तार किए। वक़ार अल्ताफ एडवोकेट जो डडियाल बार के रुकन हैं इन पर इस वाकया से कबल भी 19 अप्रैल 2022 को एक कातलाना हमला हुआ था जिसमें वो शदीद जख्मी हो गए थे। कत्ल के वाकये में मुलव्वस हमने इस वक्त तक 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए हैं जिनमें बिलाल अहमद एडवोकेट जो इस्लामाबाद बार के रुकन हैं, उसके अलावा हसन भट्ट जो गुजरात का सुकूनती है और हमीदुल्ला पठान जो करक का सुकूनती है, ये लोग इस वक्त पुलिस की हिरासत में हैं। दीगर 2 मुल्ज़िमान जो अंदरूने मुल्क हैं और जो मुल्क के बाहर हैं उनको भी इंशाल्लाह हर सूरत कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मुल्ज़िमान से जो इस वक्त तक तफ्तीश की गई है उसकी तफसील इस तरह है। मकतूल वक़ार अल्ताफ का अपने हकीकी भाइयों के साथ ज़मीन और पैसे का झगड़ा है, उसी तनाजर में इन्हीं मुल्ज़िमान ने 20 अप्रैल को इन पर कातलाना हमला किया। ये वाकया मेरी तैनाती से पहले का था। मुल्ज़िमान वाकया करके सहसा के रास्ते फरार हो गए। इस वाकया का मास्टरमाइंड जो पाकिस्तान के अंदर इस सारी प्लानिंग में शामिल था वो बिलाल एडवोकेट है जिसके अकाउंट में बरतानिया से मुख्तलिफ अवकात में 13 लाख 8 लाख और 2 लाख इस तरह कुल 23 लाख रुपया ट्रांसफर हुआ। कत्ल के वाकया से तकरीबन 2 हफ्ते पहले 24 अगस्त को बिलाल मुल्ज़िम अपने साथी मुल्ज़िमान के हमराह यहाँ पर आया और मकतूल के घर की मुकम्मल रेकी की। उसके बाद जिस दिन वकूह हुआ उस दिन भी बिलाल अपनी कार पर खुद आया। इस वाकये के लिए उसने एक होंडा मोटरसाइकिल अपने नाम निकलवाया, 2 9mm पिस्टल उसने खरीदे, पुलिस की यूनिफॉर्म ली और प्लानिंग के तहत होंडा मोटरसाइकिल एक हमीदुल्ला मुल्ज़िम है जो गिरफ्तार है उसको दिया ताकि वो डडियाल पहुंचाए।
और ख़ुद अपने पेशे के एतबार से वकालत करता है। उसने अपना वकीलों वाला ड्रेस पहना और साथ अपनी फाइलें रखी ताकि बवक्ते ज़रूरत हो यह तासर दे सके कि वो अपने किसी केस के सिलसिले में जडियाल जा रहा है। इस तरह एक मुलज़म मोटरसाइकिल पर आया और बाकी चार मुलज़म बिलाल, मोहसन भट्ट, हसन भट्ट और उमर जट हमजा, ये चार कार पर आए। डडियाल में पहुंचकर इसने मोटरसाइकिल जो दो शूटर्स थे हसन भट्ट और हमजा उनके हवाले किया, उनको असला भी दिया और पुलिस की यूनिफॉर्म भी दी। वो मोटरसाइकिल पर डैम के किनारे चले गए जहां जाके उन्होंने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी और मकतूल के घर की रैकी करके दरवाजे पे दस्तक दी। मकतूल की बेवा सैरिश वो आई, उससे उन्होंने कहा कि मकतूल से हमने किसी अदालती नोटिस पे साइन करवाने हैं। इस बहाने घर के अंदर दाखिल हुए और मकतूल को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। मुलजमान का मंसूबा था कि मियां बीवी दोनों को कत्ल किया जाए ताकि वाकया के शक किसी और तरफ चला जाए। वाकया करने के बाद मोटरसाइकिल सवार दोनों मुलजमान थारा रोड पर बिलाल के पास पहुंचे और उसकी कार में बैठकर वापस यूनिफॉर्म तब्दील की और अपने जो पहले वाला ड्रेस था उसमें फरार होने में कामयाब हो गए। 20 अप्रैल को जो दामे कत्ल का वाकया हुआ वो भी इन्हीं मुलजमान ने किया था, उसमें भी उन्होंने असला से फायरिंग करके मकतूल को घर से कोर्ट जाते हुए रास्ते में शदीद जख्मी किया था। मुलजमान ने तफ्तीश के दौरान यह भी इंकशाफ किया है कि उन्होंने मकतूल के तीसरे भाई गफार, उन्हें भी कत्ल करने का मंसूबा बनाया था और उसके लिए भी 2 लाख रुपया बरतानिया से वसूल हुआ था, लेकिन इत्तेफाक से गफार अपने प्रोग्राम से 2 दिन पहले बरतानिया चले गए थे जिस वजह से ये मंसूबा कामयाब नहीं हो सका। मुलजमान से जो इस वक्त तक तफ्तीश की है, मुलजम बिलाल के मोबाइल फोन से हमें कुछ इम्पोर्टेंट मैसेजेस मिले हैं जिससे वाकया कराने का शवाहद और सबूत मकतूल के भाई इसरार और सिकंदर की तरफ जाते हैं। डडियाल में इस तरह के वाकयात कबल अजीम ही हो चुके हैं। यह वाकया पुलिस के लिए एक चैलेंज था जिसमें एक तरफ मुगला बरादरी और सारी अवाम इलाका की पुलिस से उम्मीदें वाबस्ता थी, दूसरी तरफ ये गुमनाम और मुश्किल तरीन केस था। अल्लाह का शुक्र है कि इसमें हमने दिन रात मेहनत की। प्राइम मिनिस्टर साहब, आईजी साहब, डीआईजी साहब, सारे अफसरान हम वक्त मुझसे इस बारे में प्रोग्रेस पूछते रहे और अल्लाह का शुक्र है कि हम आज आपके सामने सुरखरू हैं। इस सारे केस में तफ्तीश के दौरान मेरे साथ जिन पुलिस अफसरों ने दिन रात काम किया उनमें राजा अजहर इकबाल एडिशनल एसपी साहब, डीएसपी अंसर, जोहेब तायर सब इंस्पेक्टर जिसने सबसे एफिशिएंटली काम किया, अदनान सागर सब इंस्पेक्टर, अमारडार और बाकी हमारा जो अमला है, पूरा एक हफ्ता हम इस्लामाबाद, पिंडी और उस एरिए में हम इन मुलजमान को ट्रेस करते रहे और इन्हें गिरफ्तार किया। इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी और इनको कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। सर मेरा एक सवाल है कि जो सस्पेक्ट हैं बरतानिया में सिकंदर और अतराज, क्या उनको एक्स्ट्रा डाइट किया जाएगा? इंशाल्लाह हम जरूर केस बनाएंगे और उनको कानून के गटारे में लाने के लिए हम पूरी एफर्ट करेंगे। सर
हमला हुआ है उस वक्त अगर ये मुसलमान पकड़े जाते तो आज ये इसकी जानना चाहती है। आज अगर पुलिस ने इस एफिशिएंसी से काम किया है कि उसे इसके कातिल पकड़े गए हैं, अगर उसमें पहले मुसलमान पकड़े जाते तो आज इसकी जानना चाहती है। क्या वजह है कि पुलिस आज ज़्यादा एफिशिएंट है उसको ज़्यादा एफिशिएंट है? देखिए, मैंने पहले बताया कि जो पहला अप्रैल में वाक़ हुआ था उस वक्त मैं यहाँ पे तैनात नहीं था, तो जो यहाँ पे तैनात थे इसका जवाब तो बेहतर वो दे सकते हैं। सर वाक़ के बाद तो पुलिस मुतारक नज़र आती है, आप जिला मीरपुर में बैठे हुए हैं, यहाँ पे डडियाल में पुलिस मौजूद है, ना ही तो आपका वो जो मंगला वाला पॉइंट है वहाँ से किसी को रोका जाता है कि आपने किधर जाना है ट्रक को समेत। अभी डडियाल में को 500-700 मांगने वाले झुग्गियाँ लगा के बैठे हुए, आपके मीरपुर में भी इस तरह है, आपकी बीटें भी लगी, उसके बावजूद जो गैर रियासती गैर मुल्की लोग हैं वो आज आ रहे हैं, इस पर क्या हिकमत अमली है कि हर वाक़े के बाद पकड़ के तो आप कहेंगे कि जी हमने ये काम कर दिया है? इस पर हिकमत अमली बड़ी क्लियर है, इसमें सारी जिम्मेदारी आप पुलिस पे ना डालें ना। अगर मांगने वाले आते हैं या वो कहीं पे रहते हैं या गैर सुनती या क्रिमिनल्स को पनाह तो मकामी लोग देते हैं, पुलिस तो नहीं पनाह देती ना। पुलिस तो इंसिडेंट जब हो जाता है फिर मालिक से पूछना शुरू करती है, पता चलता जी हम रजिस्टर्ड रखे हुए थे। तो इसमें मेरी यह है कि मतलब लोगों को भी जो इखलाकी जिम्मेदारी कानूनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए, अकेली पुलिस कुछ नहीं कर सकती जब तक लोगों का तावन और उनकी पूरी हमदर्दी और अपनी जिम्मेदारी शामिल ना हो। रजिस्ट्रेशन का अमल फिर वो शुरू सख्ती से करेंगे या उसी तरह रहेगा जिसका? रजिस्ट्रेशन का अमल पहले भी करते थे अब भी करते हैं, प्रॉब्लम तब होती है जब एक बंदा हम रजिस्टर कर लेते हैं तो मालिक बिल्डिंग जो है वो दूसरे दिन या हफ्ते बाद बंदा चेंज कर देते हैं, लेकिन पुलिस को वो नोट नहीं करते कि पहला बंदा चला गया दूसरा आ गया, वो जो ड्राइंग करके चला जाएगा फिर मालिक को परेशानी लगेगी। फिर अगर हम मालिक के खिलाफ केस रजिस्टर करते हैं फिर भी शहरी कहेंगे जी मालिक के साथ ज्यादती हो रही है, कानूनी इखलाकी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए हर बंदे को। दूसरा सर आपने ये कहा कि दरगली में जो है टेलीफोन की सहूलत नहीं है, दीगर सहूलियात नहीं है, तो उस पर सर कोई कुछ भी नहीं हो सकता कि इतना वो नॉर्दर्न एरिया के वहाँ पे कोई सर्विस का नहीं सिलसिला हो सकता, या वहाँ पे एक बूट भी पड़ा हुआ है जिसमें काफ़ी जदीद चीज़ें वो उसके साथ बक्सा एक पड़ा हुआ है उस पर काम नहीं लिया जा रहा, उस पर क्या करेंगे, इसी तरह खुला छोड़ देंगे? देखिए वो मैंने बताया कि वो डेड प्लेस है, उसमें मेरे बस में नहीं है। मोबाइल कंपनियाँ जितनी हैं पाकिस्तान बेस्ड हैं, वहाँ पे मोबाइल कंपनियों का नेटवर्क सिग्नल नहीं आते, हमारे जो वायरलेस कम्युनिकेशन है वो स्पॉट ऐसा है कि वहाँ पे ये इशू चल रहा है। वहाँ पे अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो, और जब इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई हो तो हम SCO से रिक्वेस्ट करके जो लैंडलाइन नंबर है वो वहाँ पे इंस्टॉल किया जाए। तो दूसरा सर ये है कि वहाँ पे सिर्फ सिपाही होते हैं, आपके कोई ASI लेवल का ASI भी है वहाँ पे, ASI लगा हुआ है, अंसर नाम है। काफी सवाल है मेरा मुखला, अभी भाई साहब ने जो अदनान साहब ने सवाल पूछा था मुखला के तहफ्फुज़ के बारे में, तो उनमें काफी बेचैनी पाई जाती है। मुखला की हिफाजत भी हमारे लिए उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी आम शहरी की है, तो हर इंसान के साथ हर वकील या हर शहरी के साथ पुलिस वाला नहीं लगाया जा सकता, अपनी हिफाजत का खुद भी इंतजाम करना चाहिए। जो पुलिस के वसाइल हैं वो आपके सामने हैं, जो हमारी दिन रात की कोशिश होती है वो भी आपके सामने होती है, अपनी हिफाजत। अभी मकतूल चले गए दुनिया से, इनको थ्रेट भी मिल रही थी, पहले कातिलाना हमला भी हुआ, सारी सिचुएशन से वाकिफ भी थे, और घर में चौकीदार काम करने वाला किसी तरह का कोई बंदा नहीं रखा हुआ, दोनों मियाँ बीवी रह रहे थे, तो एहसास जिम्मेदारी जो है वो खुद भी करनी चाहिए। एक तो सर एक सवाल है कि ये जो कैमरे